बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की एक्टर जहीर इकबाल से हुई शादी ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे इस तरह की शादियों का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अलग अलग धर्मों या अलग अलग देशों के दो लोगों की शादी कानूनी मानी जाती है। Basically, the objective of Special Marriage Act long back was to have, you know, giving the legal sanctity, legal approval to the intercaste interfaith marriage. That is the most important. They want to continue with their own religion. They can't go and have Hindu marriage or Muslim marriage. So, for to facilitate these people, this is Special Marriage Act is done. स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के वक्त दूल्हे दुल्हन की उम्र कानूनी तौर पर सही होनी चाहिए, साथ ही उन्हें मानसिक रूप से सेहतमंद और गैर शादीशुदा होना चाहिए। शादी से पहले उस जगह की मैरिज ऑफिसर को भी जानकारी देनी होती है जहां दूल्हे या दुल्हन में से कोई एक कम से कम पिछले 30 दिनों से रह रहा हो। इस कानून के तहत शादी मैरिज ऑफिसर और 3 गवाहों की मौजूदगी में होती है। शादी में कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाता। औपचारिकताएं पूरी होने पर मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की गई शादी को भी दूसरी शादियों की तरह ही मान्यता मिलती है। पति पत्नी के अधिकार और जिम्मेदारियां भी दूसरी शादियों की तरह ही होती हैं। विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी का 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन इस बात का सबूत होता है कि शादी को कानूनी रूप से मान्यता हासिल है। स्पेशल मैकेनिज्म प्रोवाइडेड फॉर द मैरिज डिस्प्यूट्स इन द स्पेशल मैरिज एक्ट वेयर इन स्पेशल प्रोविजन इज देयर For divorce, they have to go to the court, whatever is the provision that is enumerated, that is mentioned in the Special Marriage Act. पिछले कुछ साल में कई भारतीय हस्तियों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है। इनमें सैफ अली खान और करीना कपूर, कुणाल खेमू और सोहा अली खान शामिल हैं।